मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की स्लाइड का हमारा टॉपिक है स्पीड। स्पीड के बारे में वैसे पहले हम पढ़ चुके हैं कि स्पीड का फॉर्मूला जो होता है आपका वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का जो फॉर्मूला है हमारा वो है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मींस डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम, यानी कि कितने समय में या किसी भी समय में किसी भी बॉडी के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जाता है, जो डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया जाता है, वो उसका क्या होता है, स्पीड होती है। ठीक है, स्पीड के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है एवरेज स्पीड के बारे में। अब एवरेज स्पीड का मतलब क्या हो गया कि कोई बॉडी अलग अलग समय में अगर उसने अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो वो आता है आपका एवरेज स्पीड के भीतर, यानी कि एवरेज वो कितनी स्पीड से चला हुआ है। तो एवरेज वर्ड जहाँ पर भी लग जाता है उसके लिए टोटल अपॉन टोटल का कर दिया जाता है। यहाँ पर सिंपल सा एवरेज वर्ड किसके पहले लग रहा है आपका, स्पीड से पहले लग रहा है। एवरेज वर्ड जो लग रहा है स्पीड से पहले लग रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, स्पीड का फॉर्मूला क्या था हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम का हम उससे पहले क्या करेंगे, टोटल अपॉन टोटल लगा देंगे, यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि किसी भी बॉडी के द्वारा टोटल टाइम में जितना टोटल डिस्टेंस कवर कर लिया जाता है वो उसकी क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है। मीन्स फॉर एग्जाम्पल कोई बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गई, बी से सी पर गई और सी से डी पर गई, सारे डिस्टेंस अलग अलग मान लिया, ये 2 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है, ये 1 किलोमीटर है, और इसके बाद ट्रैवल किया गया समय आपका 1 घंटा 2 घंटा और 3 घंटे का। ठीक है, तो आप इसकी एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस क्या आपका 2 + 3 = 5, 5 / 6 = 2 + 3 = 3, 6 यानी कि जो चलाया वो 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, यानी कि जो एवरेज स्पीड रही है उसकी 1 किलोमीटर पर आवर की रही, ऐसे निकाला जाता है आपका एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेक। अब हमको पता करना है कि स्पीड जो होती है वो कितने तरीके की होती है, यानी कि दो तरीके की आपकी स्पीड होती है, एक होती है यूनिफॉर्म, दूसरी नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म स्पीड आपकी वो स्पीड होती है जिसमें कोई भी बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, यानी कि इक्वल समय में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे। मीन्स कहने का मतलब है कि मान लिया हमने कि पहले 1 घंटे में बॉडी 15 किलोमीटर चली, तो दूसरे 1 घंटे में भी बॉडी आपकी 15 किलोमीटर ही चलेगी, तीसरे 1 घंटे में भी बॉडी आपकी 15 किलोमीटर ही चलेगी। मीन्स कहने का मतलब ये है कि यूनिफॉर्म स्पीड आपकी वो स्पीड होती है जिसमें बॉडी इक्वल समय में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड आपकी वो स्पीड होती है जिसमें टाइम आपका इक्वल ही रहेगा, लेकिन बॉडी के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है वो अनइक्वल होगा। मीन्स नॉन यूनिफॉर्म स्पीड आपकी वो स्पीड होती है जिसमें इक्वल टाइम इंटरवल में बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है। इक्वल और अनइक्वल यानी कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में आपका डिफरेंस यही है, दोनों में सबसे पहले तो जो टाइम है आपका वो आपका इक्वल ही रहना है। केवल यूनिफॉर्म में इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होगा और नॉन यूनिफॉर्म में इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होगा। अब हमको पढ़ना है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड और वेलोसिटी में बस थोड़ा सा ही फर्क है, स्पीड में आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम था और वेलोसिटी में आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगी। डिस्प्लेसमेंट हमने कल पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट क्या था आपका, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिफरेंस होता है बॉडी का वो क्या होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो किसी भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट और डिवाइडेड बाई टाइम टेकन इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। वेलोसिटी और स्पीड में केवल यही डिफरेंस है, उनकी यूनिट्स सेम है मीटर पर सेकेंड, इनकी क्वांटिटी में डिफरेंस होगा क्योंकि स्पीड जो थी हमारी, स्पीड में आपका डिस्टेंस आ रहा था और डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी होगी और डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होगी।